थंबनेल की बात। अभी आप एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने आज से 10-15 दिन पहले के वीडियो में बताया था, यूजुअली जब यूएसडी आईएनआर बढ़ता है, यानी 80, यहाँ पर बढ़ता घटता थोड़ा अलग होता है, डेप्रिशिएट और अप्रिशिएट टर्म यूज़ करते हैं, टूटता है तो डेप्रिशिएट करना अप्रिशिएट करना कहते हैं, बढ़ता है तो डेप्रिशिएट करना कहते हैं, यानी 82 से 83 हो गया तो वो डेप्रिशिएट करेगा, और 83 से 82 हो गया तो अप्रिशिएट करेगा बोलते हैं। तो यूएसडी आईएनआर अभी 82 के लगभग चल रहा है। मैंने कुछ 10-15 दिन महीना भरे पहले की वीडियो में कहा था, यूएसडी आईएनआर अगर 82 से 83 होता है, या अप्रिशिएट डेप्रिशिएट बोलूँगा तो कन्फ्यूज जाओगे, 82 से 83 होता है तो यूजुअली गोल्ड जा रहा है नीचे। हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में टूटे, लेकिन गोल्ड नीचे जाके सपोर्ट मिल जाए 500-1000 रुपये का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंदी आने से। तो यूएसडी आईएनआर का सीन देख लूँ डेटा आने के बाद क्या हुआ है, आप लोग भी ट्रैक करना चाहिए। वैसे तो यूएस डॉलर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, 10123 का चल रहा है, और यूएसडी आईएनआर देखेंगे तो 82, यानी कि 10-15 पैसे की बढ़त बनी हुई है। लेकिन ये तो खैर मार्केट अभी अपना बंद हो चुका है, ये डॉलर इसको एडजस्ट कर देगा रात में। तो अगर ये 82 से 83 होता है इनकेस, तो गोल्ड 500 रुपये टूटने से यूएसडी आईएनआर मदद कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में टूटने की संभावना को बना लेगा, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है तो सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ हद तक। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ अस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स।